अब हर जगह मोदी ही मोदी है। 30 साल बाद ये पहला मौका है जब देश में किसी सिंगल पार्टी को बहुमत मिला है। बीजेपी की ये जीत सही मायने में मोदी की जीत है, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर देश भर में विकास और इकोनॉमी के नाम पर वोट मांगे और जनता ने उनकी झोली में 282 सीट्स के साथ भर दी। एनडीए को 335 सीट्स मिली है। लेकिन अब मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है इतने बड़े पैमाने पर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की। इन चुनावों का क्या संदेश है राजनेताओं के लिए और साथ ही बाजार और इकोनॉमी के लिए, जिन्होंने मोदी से बड़ी उम्मीदें लगा रखी है? क्या है मुश्किलें, क्या है चुनौतियां, ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हेड ऑफ सेल्स संदीप भाटिया, मोतीलाल ओसवाल एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर ताहिर बादशाह, केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की सीआईओ रितु गंगराड़े अरोड़ा और साथ ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ प्राइवेट ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट वीके शर्मा साहब। आप सब दिग्गजों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले संदीप जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। हिंदुस्तान की के इस चुनाव में मोदी की इतनी बड़ी जीत का भरोसा एफआईएस को था, लेकिन शायद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को नहीं। क्या आपको लगता है अब तस्वीर बदलने वाली है और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट से दूर हैं, इस बड़ी जीत और क्लियर कट मैंडेट के बाद एक हिंदुस्तान के बाजारों में नए बुल रन की शुरुआत होते हुए देख सकते हैं? संदीप, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए संदीप से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रितु, ये सवाल आपके लिए, क्योंकि आप खुद एक डोमेस्टिक फंड मैनेजर है और इलेक्शन के नतीजे के पहले तक डोमेस्टिक फंड मैनेजर थोड़े से सहमे हुए थे, बिकवाली भी कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपके लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के फ्लोज नहीं थे, अब क्या तस्वीर बदलेगी? कल जो हमने नतीजे देखे, प्रजातंत्र की बहुत बड़ी विजय है, ऐतिहासिक है, और इससे जो कि बहुत अच्छा हुआ है, हमारे देश की जनता ने एक स्थिर सरकार को बनाया है, और इससे आगे मुझे लगता है, जैसे मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी बात की थी, स्थिर सरकार से बहुत सारी चीजें बदलेंगी। मेरे हिसाब से जो सबसे वर्स्ट था हमारे पीछे होना चाहिए और यहाँ से इम्प्रूवमेंट सही आगे होने चाहिए। इस के मद्देनजर मुझे आशा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे। मुझे ये भी आशा है कि सबसे पहले जो बजट आएगा अगले महीने, इसमें सरकार भी कोशिश करेगी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देश में दोबारा बढ़े। फिजिकल इन्वेस्टमेंट का बोलबाला रहा है पिछले कुछ सालों में, गोल्ड ले लें, रियल एस्टेट ले लें, उसके अलावा अब पैसा फाइनेंशियल एसेट्स की तरफ बढ़ना चाहिए, और ये मुझे लगता है इन फॉर्म ऑफ 80 सी लिमिट बढ़ा के 50,000 और डाल के, इस तरह से मेरे ख्याल से स्मॉल सेविंग वापस फाइनेंशियल मार्केट्स की तरफ आएंगी। सबका जो अपना कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का, वो भी वापस आ रहा है, और मुझे लगता है अगले 3 साल मार्केट के लिए बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में भी सुधार देखते जाएंगे। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग आपसे। मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से एक डिसाइसिव मैंडेट के साथ बीजेपी को सत्ता हासिल हो रही है, अब आपको क्या लगता है, अगले 5 साल तो कोई कष्ट वाले हैं नहीं, तो 5 सालों में निफ्टी किस लेवल तक जा सकता है? 5 डिजिट से ऊपर देखते हैं आप, वो तो देखेंगे ही, लेकिन क्या लेवल हो सकता है अगले 5 सालों के लिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर ये मान भी ले कि हम ग्रोथ नहीं भी होगा, ग्रोथ तो होता ही है 10% जैसा, ग्रोथ नहीं भी होगा, हम महज अपना जो 2008 वाला पी लेके आ जाएं 28.5 का जो उस वक्त था निफ्टी के अंदर, तो हम हिस्टोरिक अर्निंग्स पे, करंट ईयर का अर्निंग्स पे भी हम 11,900 का निफ्टी देख सकते हैं, ठीक है, वो पी जब भी हो जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ग्रोथ भी आएगा, ऊपर से जो जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, आप समझिए कि रुपए एफआईएस की जो भी खरीदते थे उसके अंदर वो जो खरीदते थे उसको नेगेटिव डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बेच के उसको नेगेट कर देते थे। अब जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खरीदने में आएंगे, मेरा ये मानना है कि एक बड़ा इवेंट है जो वहां से अब पैसा आएगा डोमेस्टिक, तो उसके बाद में जो पावर है एफआईएस की खरीदारी की, वो बढ़ जाएगी। ओके, बड़ी बात यह है जब तक पॉइंट आउट नहीं हुआ है मार्केट में कि एफआईएस ने कभी इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार देखी ही नहीं। जी हां,
1992-93 में जो एफआईज आए थे तो उस वक्त जो जो गवर्नमेंट थी रिफॉर्म्स शुरू ही हो रहे थे और नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट उस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, तो ये जो गवर्नमेंट है ये सख्त गवर्नमेंट है, बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट है। तो उस पर्सपेक्टिव से एफआईज का जो पैसा अभी तक जो 6 बिलियन डॉलर आया है, मेरा मानना है कि बचे जो 6 महीने हैं उसके अंदर 12 बिलियन तो कम से कम आएगा। Okay. तो यानी कि दुगना पैसा जब आएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में खरीदने लग जाएंगे तो महज लिक्विडिटी ही आपको ऊपर लेके जाएगी, अर्निंग्स तो बाद में है, वो तो एनालिस्ट करते रहेंगे। इसी के साथ एक फॉलोअप सवाल मेरा ये भी है, कल जिस तरह से हमने देखा कि सेंसेक्स ने 1470 पॉइंट की एक रैली दिखाई, उसके बाद ऊपर से 1200 पॉइंट कमजोर हो गया, इसको आप किस तरह से पढ़ते हैं? क्योंकि अगर जिसकी जिस तेजी की बात आप कर रहे हैं, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं एफआईआई ने देखी नहीं इस तरह की तेजी, इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, अगर हम वैसे देखें अपने सितंबर 2013 से जब से इनका नामांकन हुआ है, वहां से बाजार करीब मेरे ख्याल से 22-23% ऊपर है, और डॉलर टर्म्स में देखें तो इनकी अर्निंग्स और भी अच्छी हैं, तो उनका प्रॉफिट बुकिंग करना वाजमी है। लेकिन आम तौर पर इस तरह के बड़े दिन, इलेक्शन डेट या बजट वाले दिन, तो आम तौर पर हमारा जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो डरा रहता है, वो समझता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज होगी जो उसको नहीं मालूम है जैसे बजट हो और किसी ने कोई फाइन प्रिंट पढ़ ली हो, तो जो अचानक जो 200 पॉइंट प्लस चल रहा था सेंसेक्स वो जीरो पे आ गया तो बहुत हड़बड़ी मच गई। तो मैं ऑनर था उस वक्त, तो मेरा ये कहना है कि इस वक्त ये जो मौका है इसके अंदर कोई फाइन प्रिंट नहीं है, ये बहुत ही बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपकी है ही नहीं, तो कम से कम एक मुद्दा जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते थे वो अब बाजार ने सॉल्व करके दे दिया है, अब सिर्फ ये देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसा है, और एग्जीक्यूशन तो हो गई होगा, तो इस वक्त कोई इसको नाप नहीं पा रहा है, अभी तक बाजार ने इस बात को समझा नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्व नहीं किया कि ये क्या दे दिया है पब्लिक ने। संदीप जी, राय आपसे लेना चाहता हूं, चूंकि आप इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज हैंडल करते हैं और आपके लगातार एफआईआई से बातचीत होती रहती है, आप उन्हें सलाह भी देते हैं, क्या लग रहा है, क्या इवेंट के पहले एफआईआई ने बड़ा पैसा डाल दिया है या फिर जिस तरह का डिसीजिव मैंडेट मिला है इसको देखते हुए भारतीय बाजारों पर एफआईआई और बुलिश होंगे? और इससे जुड़ा हुआ सवाल ये कि क्या ये मानकर चलना चाहिए अब अगले कुछ साल तक भारतीय बाजार दूसरे दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आउट परफॉर्म करेंगे? एफआईआई ने जो पैसा डाला है वो अभी जो लास्ट महीने में हमने देखा है वो उनका सिर्फ एक प्रीव्यू था, एक सिर्फ स्टार्टिंग था, और अभी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल में जैसे काम होता रहेगा, जैसे इस सरकार के की पॉलिसी बाहर आएगी, जैसे अब बजट आएगा जुलाई में, इसके बाद हमें लगता है कि काफ़ी पॉलिसी चेंजेस होंगे, एक तरह से सैलाब आएगा फॉरेन मनी का, डॉलर्स का इस देश में, और आजकल जो व्यू है कि सिर्फ एफआईआई का पैसा आता है, लेकिन ये गलत है, इस देश को सिर्फ एफआईआई का पैसा नहीं चाहिए, इस देश को एफडीआई भी चाहिए, एफडीआई से फैक्ट्रियां बनती हैं, एफडीआई से नई टेक्नोलॉजी आती है, एफडीआई से एम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को जॉब्स आते हैं, तो इस देश में जो सिर्फ मार्केट पे फोकस करते हैं वो एक ही छोटा सेक्शन है, लेकिन जो आम आदमी है उसके लिए जो पूरी इकोनॉमी का विकास होगा वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर हम इंडिया और चाइना की तुलना करें तो हमने देखा है कि कभी भी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग था, और आज से 30-40 साल में हमने देखा है कि इवन 91 के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद भी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का परसेंटेज गिरता रहा है, तो ये इंडिया को करेक्ट करना है, इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको काफी साल लगेंगे, लेकिन ये जब आएगा तब खाली एफआईआई नहीं, एफडीआई दोनों का पैसा आएगा। बिल्कुल, भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जरूरत है और उसके ऊपर फोकस जरूर रहेगा मोदी सरकार का। लेकिन ताहिर, अब आपसे सवाल यह है कि डीआईआई ने ये पूरी जो तेजी है वो कंप्लीटली मिस आउट करी है, शायद वो इंतजार कर रहे थे 16 तारीख हो गई, इलेक्शन का आउटकम आ गया, साफ वर्डिक्ट है, तो अब क्या यहां से खरीदारी का सिलसिला शुरू कर देना चाहिए रिटेल निवेशकों को, आप क्या सुझाव दे रहे हैं? जी बिल्कुल, और अगर किसी इन्वेस्टर को, स्मॉल इन्वेस्टर्स को बेसिकली 3 या 5 ईयर्स का व्यू लेना है तो हमें लगता है कि ये लेवल भी
अप्रोप्रिएट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि बाजार पिछले 3 महीने में तकरीबन 25 प्रतिशत चल चुका है, लेकिन अगर हम अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी देखें तो पिछले 20-25 साल की अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी तकरीबन 15 से 16% की रही है। और अगर हम ऐसे एक फेज में है जहां पे हम अर्निंग्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो ये लेवल से हम शायद और थोड़ा बढ़ा के तकरीबन 20% अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं अगले 3 या 5 साल के करीब ऑन अ CAGR बेसिस। तो अगर ये रेट से अगर अर्निंग्स ग्रोथ आने की शक्यता है, तो हमें लगता है कि इतनी अप्रिसिएशन इक्विटीज में यहाँ से भी मिल सकती है। और अगर कोई व्यू थोड़ा शायद टाइम फ्रेम बढ़ा देता है, तो ये जो 20-25% जो अभी रैली हुई है मार्केट की, वो परहैप्स 2 या 3 साल के बाद वो मायने नहीं रखेगी। और अगर इस सोच के कारण कि बाजार शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हम रुक जाए या थम जाए, तो देन वो अपॉर्चुनिटी शायद लॉन्गर टर्म जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर जाएंगे। राइट रितु जी, यहाँ पर सवाल आपसे मेरा ये, जैसा कि 3 महीने में हमने निफ्टी में 25% के रिटर्न आते हुए दिखे, लोग ये सोचते थे कि अगर स्थिर सरकार बनी तो तेजी होगी, और बाजार जनरली पहले ही प्रीएम्प्ट करता है, इलेक्शन के नतीजों के पहले ही अच्छी खासी तेजी हो गई। अब 10 में से 10 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बड़े बुल रन की शुरुआत हो रही है, बहुत तेजी होने वाली है, और जनरली बाजार कॉन्सेंसस के विपरीत भी चलता है। क्या कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट होने के चांस है? और जो एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बनी हुई है मिनिस्ट्री बनने के बाद, बजट के पहले, क्या बाजार करेक्शन के मौके दे सकता है तेजी इतनी होने के बाद, और जब उम्मीदें बहुत ज्यादा है इस सरकार से? मार्केट दो चीज हमेशा मद्देनजर रखता है, एक तो फंडामेंटल्स और दूसरा एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर। तो फंडामेंटल्स जो है अभी भी काफी चैलेंजिंग है, काफी उनमें सुधार होना बाकी है। और जहां तक एक्सपेक्टेशंस है बहुत हाई है अभी नई सरकार पे, ऐसा लग रहा है सबको कि वो रातों रात सब कुछ बदल देंगे, जो कि नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, बहुत सशक्त शुरुआत हुई है, पर इसमें समय लगेगा। तो इसमें मार्केट में निवेश करने का बहुत मौके मिलेंगे निवेशकों को, एक बुल रन आएगा, लेकिन वो ओवरनाइट रन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम ताबड़तोड़ अगले कुछ दिनों में 10-15% चल जाएगा। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है सभी फंड मैनेजर्स निवेशकों के लिए कि अपने पोर्टफोलियो रीअलाइन करें, उस सेक्टर्स में मूव करें जिनमें उन्हें लगता है कि पहले सुधार आना शुरू होंगे, ताकि वो रैली में पार्टिसिपेट कर सके। पर 3 साल की अगर हम रैली और 5 साल की रैली कहते हैं इस सरकार के साथ, तो बहुत सारे मौके मिलेंगे पोर्टफोलियो रीबैलेंस करने के। जैसा कि अभी शर्मा जी भी यहाँ कह रहे थे कि कोएलिशन का एरा खत्म हुआ है और पहली बार दरअसल FIIs ने इस तरह का आलम देखा है, तो आपको क्या लगता है कितना पैसा आपके लिहाज से भारत में और आ सकता है? क्योंकि कल हमने कुछ दिग्गजों को सुना, CLSA जैसे दिग्गज कहते हैं कि वो अब दूसरे बाजारों पर अपना वेटेज घटा रहे हैं, भारतीय बाजार पर अपना वेटेज बढ़ा रहे हैं। इस देश में 12 महीने में हम देख सकते हैं कि FII का पैसा तो अराउंड 40 to 50 billion dollars आ सकता है। तो ये आज इस साल आएगा कि अगले साल आएगा कि उसके बाद आएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है कि इस पूरी विश्व में ऐसी कोई मार्केट नहीं है चाइना और इंडिया के सिवाय जिसका डेवलपिंग मार्केट्स में जिसका साइज, जिसकी इंडस्ट्रीज, जिसके सेक्टर्स में वैरायटी जितनी है, जितना रेंज है। हमारे देश में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, हमारे देश में IT स्ट्रांग है, हमारे देश में कंजम्पशन स्ट्रांग है, और हमारे देश में बैंक्स भी स्ट्रांग है। तो जो विविधता है सेक्टर्स की, वो इस देश में और चाइना में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना में काफ़ी पॉलिटिकल अनसर्टेंटी बन रही है, वहाँ इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रहा है, और इंडिया का साइकिल उससे अलग है। हमने पॉलिटिकल अनसर्टेंटी को झेल लिया है, हमारी बैंक्स ने नुकसान और स्लो डाउन के कॉस्ट पे कर लिए हैं। तो इसके कारण काफ़ी प्रेफरेंस रहेगा कि चाइना का पैसा, चाइना में जो पैसा जा सकता था वो इंडिया में आएगा। और एक बात ज़रूर है कि जब आप ठीक करते हो तो बहुत सारा पैसा जो नहीं आता था, जो शायद डेवलप मार्केट्स में US और यूरोप में रहता था, वो भी अट्रैक्ट होके इंडिया में आएगा। क्योंकि ये जो इंडिया है वो एक इंग्लिश स्पीकिंग कमर्शियल कंट्री है, बिल्कुल, जहाँ हमारे कानून, हमारे लॉज उनकी कानून से मिलते जुलते हैं, और हमारे जो व्यवहार है इंग्लिश में होता है, बिजनेस का व्यवहार ज़्यादातर इंग्लिश में होता है, उसके कारण उनको कम्फर्ट रहता है। तो एक चीज़ है कि पूरा
पूरा सिचुएशन चेंज हो सकता है अगर सरकार स्थिर और प्रोग्रेसिव रही। तो ये राय आती हुई हमारे सारे एक्सपर्ट्स की, जो कह रहे हैं कि साफ तौर पर भारतीय बाजारों में एक नई तेजी की, नए बुल रन की शुरुआत होती हुई दिख रही, जो कि लंबे समय तक चलेगा और भारी भरकम तेजी भी दिखाएगा। लेकिन इस बुल रन का फायदा आप कैसे उठाएं, कहां हैं आपके लिए निवेश के मौके, कौन से सेक्टर्स हैं जो करेंगे इस बाजार की तेजी को लीड, ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स एक छोटे से ब्रेक के बाद। चुनाव के नतीजे के बाद बाजार के आगे के डायरेक्शन पर बातचीत करने के लिए हमारा है एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ स्टूडियो में वीके शर्मा साहब है और साथ ही रितु गंगराड़े अरोड़ा, संदीप भाटिया और साथ ही ताहिर बादशाह भी हमारे साथ है। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर एक बड़ा सवाल लीडरशिप को लेकर है संदीप, और इस पर आपसे सवाल लेना चाहता हूँ। हर बार जनरली हम देखते हैं कि हर बुल मार्केट में लीडरशिप कुछ नए स्टॉक्स नए सेक्टर्स की तरफ से आती हुई दिखती है। इस बार जब तेजी ग्रोथ और गवर्नेंस के नाम पर होनी है हिंदुस्तान के बाजारों में, तो क्या आपको लगता है सरकारी कंपनियां इस तेजी को लीड करेंगी या फिर कोई और सेक्टर्स हैं आपके ध्यान में जहां से आपको लगता है कि बाजार नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश करेगा? अगर आप सेक्टर लीडरशिप की बात करते हैं कि जो सेक्टर पहले चलेगा और जो सेक्टर चार या पांच साल का जो बुल रन है जो हम सोचते हैं होगा उसमें क्या चलेगा, तो एक बात क्लियर है कि शॉर्ट टर्म में हम PSU पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये दो सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है स्टेबल सरकार का और बेटर इकोनॉमी का। लेकिन अगर चार और पाँच साल का व्यू लिया जाए तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो हमारा निजी मैन्युफैक्चरिंग है, उसी सेक्टर को बेनिफिट होगा। तो ये तो एक सीक्वेंस रहेगा। जो आज हमारे जो ब्याज के दर हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, वो काफ़ी हाई हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं तो उसका फ़ायदा कॉरपोरेट्स को होता है, काफ़ी कॉरपोरेट ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, तो जो हाईली जिनका डेट सबसे ज़्यादा है, जो जिनका लेवरेज सबसे ज़्यादा है, उनको बेनिफिट होगा। और उससे क्या होता है कि बहुत सारा स्ट्रेस हो गया था सिस्टम में और बैंक्स को नुकसान हो रहा था, उनके NPA उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे थे, तो वो भी घट जाएगा। तो सबसे पहले बैंक्स में तेज़ी आएगी, उसके बाद पब्लिक सेक्टर और ऑयल एनर्जी कंपनीज। हमारे देश में काफ़ी बड़ा ऑयल एनर्जी का सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल कंपनीज पे आता है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके कारण पूरा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, इसके कारण यहाँ के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। अगर हमने एनर्जी पॉलिसी में, जैसे आज डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जाएंगे और धीरे धीरे करके मैं मानता हूं कि नेक्स्ट दो या तीन साल में पूरी सब्सिडी कम हो जाएगी, तो इसके कारण पूरी ऑयल एनर्जी कंपनीज हैं जैसे ONGC, भारत पेट्रोलियम, ये हम दो कंपनियां मानते हैं सशक्त स्ट्रांग हैं और उनको काफ़ी फायदा हो सकता है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI देखिए और पब्लिक सेक्टर और ONGC BPCL को काफ़ी फायदा हो सकता है। बट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत अच्छा फायदा होगा, उसमें LNT आएगा, उसमें मारुति सुजुकी आएगा, उसमें टाटा मोटर्स आएगा। तो ऐसे जो स्क्रिप्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वो चार या पांच साल के टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे करेंगे। ओके, तो SBI, ONGC, BPCL, मारुति, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स आपको यहाँ से अगले पांच सालों के लिए बेहतरीन रिटर्न कमा कर दे सकते हैं, ये राय निकल कर आती हुई। लेकिन शर्मा जी, आपने हमेशा से कहा है कि ETFs में, निफ्टी ETF में पैसा लगाओ और पैसा अच्छी तरह से ग्रो होता है, आप उसी स्टैंस के साथ आज बरकरार रहेंगे? देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई जो PSUs हैं वो अच्छा अभी सुधरेंगे, तो पहले उनके ऊपर मैं एक दो शब्द बता दूं, क्योंकि PSUs इतने ख़राब हैं, इनएफिशिएंट हैं, उनके अंदर सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो अगर आप मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस करेंगे तो वहाँ पे आप एक इंच काम करेंगे तो आपको 12 इंच की बारिश मिलेगी। तो उनके अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त उनका बहुत कुछ करना बाकी है। तो भले कोल इंडिया हो, जब 15% प्रोडक्शन बढ़ाया 2 साल, तो हम बिल्कुल इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाए, या फिर भारत आत्मनिर्भर जो सब चीजों में है, तो PSUs के ऊपर नजर डालिए।
आपने जो जो जिक्र किया, जिसका मैं जिक्र करता रहता हूँ, ETF, वो उस आदमी के लिए, इन्वेस्टर के लिए जिसके पास रिसर्च का टाइम नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, उसके लिए बेस्ट है। अगर आपको यही देखना है कि क्या लेना है, आप ट्रेडर तो है नहीं, अगर आपको इन्वेस्ट करना हो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अगर आप पेंटर है तो पेंट कीजिए, अगर आप बैंकर है तो अपने बैंक में देखिए, चुपचाप अपना इन्वेस्टमेंट एक SIP के तौर पे एक ETF में लगा दीजिए, वो मार्केट रिटर्न आपको देगा। वॉरेन बुफे कहते हैं, तो हम तो छोटे आदमी हैं उनसे हमें क्या बोलेंगे, तो कोई भी आदमी आज तक बीट नहीं कर पाता है नॉर्मली, और मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स दे आर नॉट एबल टू बीट द इंडेक्स फंड। बिल्कुल ठीक है शर्मा जी, सब लोग ये पूछते हैं कि कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे, कौन से सेक्टर्स खराब प्रदर्शन करेंगे, वो भी जानना काफी जरूरी है, क्योंकि चर्चा बाजार में ये भी है कि अगर रुपया मजबूत होता है तो IT फार्मा शायद खराब कर सकते हैं, तो क्या उनको पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए या फिर उनमें मुनाफा वसूल लेना चाहिए, क्योंकि उन सेक्टर्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पे मेरे ख्याल से आदमी के पास कितना भी पैसा हो उसके लिए तो लिमिटेड है, 5 करोड़ वाले के 5 करोड़ लिमिटेड है और 5 लाख वाले के लिए 5 लाख लिमिटेड है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको मैक्सिमम गेन करना है तो ऑब्वियसली जो सेक्टर में आप, जहां के आपके परफॉर्मेंस अच्छी रहने वाले नहीं है, तो उस दृष्टि से उन पे एक्सपोजर को पेयर कर लिया जाए बाय वे ऑफ आइदर रिड्यूसिंग और फिर गोइंग इनटू लार्जर इन दोस, जहां पे उनका डोमेस्टिक एक्सपोजर ज्यादा है जिन कंपनियों के अंदर, तो वो एक IT के अंदर एक्सपोजर कम करना जरूरी है, फार्मा के अंदर भी थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बाकी अन्य एक्सपोर्ट सेक्टर भी हैं, स्टॉक्स जो अभी तक अच्छा किए हैं उनके अंदर भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग की आवश्यकता है, और रियल एस्टेट में वो कोई भी कंपनी ना पकड़िए, भले निफ्टी में क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका किसी पुराना उसको स्कैम से रिलेशन है तो उनसे दूर रहिए, वो रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर सकता है, वो कंपनी खराब करेगी। रितु, आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप अपने फंड में इस वक्त किस तरह से पोजीशन किए हुए हैं, कहाँ आप ओवरवेट हैं, किन सेक्टर्स में आपने ज्यादा कैश एलोकेशन किया हुआ है, किन सेक्टर पर आप थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके चल रही हैं इन नतीजों के बाद? एक बैलेंस पोर्टफोलियो की राय मैं अभी भी दूंगी, और ये भी मानती हूँ कि तब पोर्टफोलियो को अब थोड़ा सा अलाइन करना होगा रिकवरी के लिए। अब हम एक डायरेक्शनल मार्केट देखेंगे, अभी तक हम एक वॉलेटाइल रेंज बाउंड मार्केट की बात करते थे, और डायरेक्शन सशक्त होगा लेकिन ओवरनाइट रनअवे रैली नहीं होगी। इसके मद्देनजर मुझे जो लगता है, अभी जो सेक्टर्स हाल में अगले कुछ महीनों में रिकवरी के पहले साइन दिखाएंगे वो है बैंकिंग और ऑयल एंड गैस। दोनों ही सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस तो हम काफी सारे अनाउंसमेंट्स का वेट कर रहे हैं और मानते हैं कि करंट सरकार की तरह डीजल प्राइस डी रेगुलेशन को जारी रखेगी, गैस प्राइस पर भी हमें कुछ अनाउंसमेंट्स मिलने चाहिए, इसे गैस ऑयल एंड गैस में अच्छा निवेश होना चाहिए। बैंकिंग जो है इकोनॉमी का दूसरा पहलू है, और जब अगर हम इकोनॉमी में सुधार की आशा रखते हैं तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी सुधार होगा, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ना चाहिए इकोनॉमी में, निम्स बढ़ने चाहिए, जो स्ट्रेस है एफर्ट्स पे वो कम होगा, इसलिए बैंकिंग मुझे लगता है काफी चले हैं स्टॉक्स पर अभी भी अपने पीक वैल्यूएशन और रीजनेबल वैल्यूएशन से काफी कम है, तो मुझे लगता है बैंकिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा निवेश के लिए। बैंकिंग और आगे के लिए अगले 4-5 सालों के लिए ऑयल एंड गैस और बैंकिंग, अगले कुछ समय के लिए मैं फोकस करना चाहूंगी अपनी ही देश की इकोनॉमी पे। हम हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते रहे हैं जो कि अभी तक कमजोर, इसका फायदा हम नहीं उठा पाए हैं क्योंकि बाकी नीतियां और इकोनॉमी पर प्रेशर रहा है। अगले 4-5 साल में दुनिया में क्या होगा कहना मुश्किल है, हमारे देश में स्थिर सरकार है और इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, इसलिए वो सेक्टर्स कंजम्पशन हो गया या जो भी सेक्टर्स हमारी डेमोग्राफी से लिंक्ड है उनमें सुधार होना चाहिए। IT सेक्टर पे मेरा नजरिया थोड़ा सा अलग है, मुझे लगता है अगर ये सरकार डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार है तो IT इन्वेस्टमेंट देश में काफी बढ़ेंगे, तो जो हमारी IT कंपनीज अभी तक एक्सपोर्ट के लिए बाहर की तरफ से अपना डिमांड देखती थी उन्हें डोमेस्टिक डिमांड काफी हद तक मिलेगा, एक सरकारी डिमांड मिलना चाहिए और उसके कारण जो इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट आता है इससे इंडियन जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेट डिमांड होगी वो IT सेक्टर को बहुत मिलेगी, तो मुझे IT सेक्टर का जो डॉलर डिपेंडेंस है वो कम होता दिखता है अगले 5 सालों में, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाते हुए, इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा उठाते हुए IT और भी सेक्टर्स में उछाल आना चाहिए। संदीप जी, सब लोग काफी बुलिश हो गए हैं और पिछले कई दिनों से बुलिश रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि इस सब बुलिश व्यूज के बीच में स्पॉइल स्पोर्ट्स कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, मॉनसून जैसे कि चर्चा चल रही है कि अगर एलनीनो का इफेक्ट आता है तो दिक्कत हो सकती है, आपके लिहाज से कौन सी बड़ी चीजें हैं जिस पर नजर होनी चाहिए निवेशकों की? देखिए, ये जो जर्नी है ये बहुत ही लंबी जर्नी हो सकती है, इसमें अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, तो आपने जो बोला कि अभी जुलाई अगस्त में
अब सबका फोरकास्ट है कि मानसून ठीक नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि मानसून एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है और एग्रीकल्चर इज आज 20% से भी कम है जीडीपी का, तो अगर वहाँ जीरो ग्रोथ भी रहा तो उसका इम्पैक्ट 0.2-0.4% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ पे आ नहीं सकता है। तो अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ 6% है इस साल का तो वो 0.2 या 0.4 से कम हो सकता है, बट उसका इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा। आज इन्फ्लेशन हाई है और इन्फ्लेशन को कम होते होते हमारा मानना है कि नॉर्मल मानसून होता तो भी दिसंबर के बाद इन्फ्लेशन घटने का शुरुआत होती, तो शायद ये जो फेज़ है नेक्स्ट 6 मंथ्स का उसमें इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा रहेगा और इंटरेस्ट रेट इतने जल्द कम नहीं होंगे। बट ये बहुत ही 5 साल की सरकार में फर्स्ट 6 मंथ्स बहुत ही छोटे नज़रिया होता है, और एक अच्छी चीज़ है कि जो भी डिफ़िकल्टी अब आ रही है वो स्टार्टिंग में आ रही है, तो शुरुआत की डिफ़िकल्टी में जब सरकार सेटअप हो रही है तो ये इसको मीट करना इजी होता है। हमने देखा है कि यूपीए की जो दिक्कतें आई वो लास्ट 5 ईयर्स में ज़्यादा आई, तो उसमें उनको ज़्यादा भारी नुकसान हुआ, तो ये एक शॉर्ट टर्म डिफिकल्टी है। दूसरी डिफिकल्टी जो आ सकती है वो चाइना का डिसलोकेशन, चाइना में जो हो रहा है आज लोगों को इस देश में इतना पता नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत ही बैंक्स में नुकसान है और वहाँ इतना नुकसान हो सकता है प्रॉपर्टी में कि पूरा ढांचा इकोनॉमी का हिल सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, और हमें ये बात एकदम सही है कि चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये डेवलपिंग इमर्जिंग मार्केट्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी है, तो अगर चाइना में कोई गिरावट आई जैसे हमने यूएस में देखा था 2008-09 में, तो अगर वैसे चाइना में हो गया तो उसके भी इम्पैक्ट इंडिया के आएंगे। बट इस सब में एक सिल्वर लाइनिंग, एक पॉजिटिव ये हो सकता है कि इसके कारण, चाइना के कारण बहुत सारी कीमतों के ऑयल, कोल, आयरन ओर जो चाइना बहुत कंज्यूम करता है और इम्पोर्ट करता है उनके दाम घट सकते हैं, और इसके कारण इंडिया को फायदा हो सकता है, क्योंकि जब इंडिया के नए रोड, जब इंडिया की नई फैक्ट्रियां, जब इंडिया के नए पावर प्लांट बनाए जाएंगे और चलेंगे तो उनके जो उनके में आयरन ओर और कोल जो स्टील प्लांट में जाएगा वो अगर दर कम हो जाए तो इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। तो हर एक चीज़ में, हर एक डिफिकल्टी में एक अपॉर्चुनिटी होती है, और जो काम करता है, जो स्मार्ट होता है, वो उसमें से अपॉर्चुनिटी लेके आगे बढ़ता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर कुछ हुआ तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन अगर हमने अपनी नैया संभाल ली तो उससे भी हमें बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल, तो ये राय आती हुई दिख रही है आगे चलते हुए। फिलहाल चुनौतियां होंगी, लेकिन इन चुनौती के बीच में बाजार भले ऊपर नीचे हो, लेकिन एक लॉन्गर टर्म के लिए बाजार में अगर आप निवेश करने का मौका देख रहे हैं तो हर डिप्स पर खरीदारी का मौका होगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स जो करेंगे अच्छा और बेहतरीन प्रदर्शन और जहां होंगे आपके लिए निवेश के मौके, इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे की राह यहाँ से कैसी हो सकती है बाजार के लिए, और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में वीके शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली बात हुई हमारी कि बैंकिंग स्टॉक्स और ऑयल एंड गैस शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी पॉकेट्स हैं जहाँ से आपको उम्मीद है कि अच्छी रैली की शुरुआत हो सकती है? देखिए, अगर हम कोयले को पकड़ें कि वो कोयले का हम जिक्र तो कर चुके हैं, पर प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो सेल्फ डिपेंडेंट अपनी अपन हो जाएंगे कोल के अंदर जब इंपोर्ट करते हैं। अगर आप वॉशरी डाल देते हैं, कोल इंडिया अगर वॉशरी डाल देता है तो कैलोरीफिक वैल्यू भी उतनी हो जाएगी जो इंडस्ट्री को चाहिए। उसके साथ में जब यूएस के अंदर जो गोल्ड रश हुआ था तो उसके अंदर जो कंपनियों ने गोल्ड ढूंढा उनको उतना पैसा नहीं मिला जितना उन लोगों को मिला जितना उन्होंने फावड़े और गेंते बेचे थे। तो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, अगर आपको 100 सिटीज बनानी है तो आपको अर्थ मूविंग इक्विपमेंट चाहिए। आपको अगर
रोड का जो प्रतिदिन जो रेट है वो 25 किलोमीटर प्रतिदिन पे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली रोड इक्विपमेंट चाहिए आपको, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चाहिए। तो ये जो सेक्टर रोड का सेक्टर और ये सेक्टर, ये अच्छा खासा काम करेंगे। और ये जो 100 सिटीज बनानी है, तो सिटीज जब बनती हैं तो उनसे इतना ज़्यादा आपका सर्विसेज इंडस्ट्री को जोर पकड़ता है, इसका हिसाब किताब नहीं है। तो खास स्टॉक इस क्षेत्र में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में जो आपने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, टेलीकॉन इंजीनियरिंग, आपने कौन सा स्टॉक? मैं तो एक पीएसयू को पकड़ता हूँ, भारत अर्थ मूवर पकड़ लीजिए, जो एक ये भी बनाता है तो इक्विपमेंट भी बनाता है, बाद में डंपर भी बनाता है और डिफेंस में भी है, तो डिफेंस के ऊपर भी तवज्जो रहेगी। और खासकर जो जितना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो सके उतना वो कोशिश करेंगे। और ऊपर से रेलवे के ऊपर रहा तो ये कोचेज बनाता है, मेट्रोज वगैरह के, तो वो सभी सेगमेंट हैं। तो इसकी, इस सेक्टर की जो रेल के ऊपर जो रहेगी मोदी जी की जो अटेंशन, तो उसकी वजह से आपके रेल के स्टॉक्स जो अभी तक चले नहीं है, जब कोयला ज़्यादा निकालेंगे तो आपको वैगन रोलिंग स्टॉक भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वो सेक्टर भी एक ऐसा है जहाँ पे अच्छी खासी तेजी आप फर्दर देखेंगे, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। संदीप, क्या आपको लगता है कि लूटे हुए पीटे हुए स्टॉक्स सेक्टर्स जहाँ पर फंडामेंटल्स कमजोर है, बैलेंस शीट खराब हो चुकी है, ओवर लीवरेज है, डेट की मार पड़ रही है, इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और कुछ हद तक कैपिटल गुड्स भी, वक्त आ गया कि इन शेयरों में अब ध्यान लगाया जाए, और जहां पर थोड़ी भी बैलेंस शीट ठीक ठाक नजर आती है और लगता है कि इकोनॉमी के रिवाइवल से जिन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है, क्या वो स्टॉक्स, वो शेयर आपके रडार में हैं जहां पर आप खरीदारी करना चाहेंगे इस स्पेस में? देखिए, जहां इतना स्ट्रेस है बैलेंस शीट का, सबसे पहले ये सारे सेक्टर्स में बैलेंस शीट स्ट्रेस है, तो हमें देखना चाहिए कि कहां एसेट्स का वैल्यू है और रिस्ट्रक्चरिंग किससे ये जो डेट है वो घट सकती है, तो उसमें ऐसे स्टॉक्स में जाइए जहां वो हो सकता है, तो वहां सबसे अधिक और सबसे जल्दी आपको फायदा हो सकता है। तो ऐसे जेपीए करके है, उन्होंने वैसे भी ट्रांजैक्शन किए हैं जहां उनका एसेट उन्होंने बेच के उन्होंने डेट किए, तो वैसे जीएमआर है, वहां भी हो सकता है वे, तो काफ़ी ऐसे हाई डेट की कंपनियां हैं जहां अगर ट्रांजैक्शंस हुए और अभी ट्रांजैक्शन की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वहां बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ये जो है वो एक पोर्शन है, दूसरा है पूरा कैपिटल गुड सेक्टर में एलएनटी देखिए, वोल्टास देखिए, या आप वैसे भी देखिए कॉनकॉर जैसी एक कंपनी है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है और उसमें उनके रेल पे उनके गाड़ियां चलती हैं, तो ये सब जो स्टॉक्स हैं उनमें भी काफ़ी फायदा हो सकता है। क्योंकि हुआ क्या है कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इतनी कम हो चुकी है, ट्रेड का जो ग्रोथ है वो इतना कम हो चुका था कि इन सब में नया धंधा, नया बिजनेस आता ही नहीं था और इसके कारण अर्निंग्स घट गई थी। तो एक चीज़ है बैलेंस शीट स्ट्रेस और एक चीज़ है कि वॉल्यूम ग्रोथ। तो बैलेंस शीट स्ट्रेस में बहुत जल्दी लेकिन शॉर्ट पीरियड में फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसी कंपनियां लें जहां धंधा पूरा बढ़ सकता है, जहां वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है, जैसे मैंने कहा लार्सन टुब्रो, कॉनकॉर, तो वहां डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा फायदा होगा। संदीप जी, एक सवाल और आपसे, हमने देखा है कि रन अप टू दिस इवेंट अनिल अंबानी ग्रुप के स्टॉक्स, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने निवेशकों को मालामाल किया है, यहाँ पर क्या मुनाफा वसूल लेना चाहिए कि, या फिर आपको लगता है कि ये रैली कुछ और देर चल सकती है? देखिए, मार्केट का मानना है कि किसी ग्रुप को ज्यादा फायदा होगा या किसी स्टॉक में अगर ज्यादा डेट है तो उसका सोल्यूशन हो जाएगा, उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा। अगर ये सब फाइनली मैनेजमेंट पे है, कोई पॉलिटिकल चेंज से किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का कोई स्पेशल फायदा तो हो नहीं सकता, वो मैनेजमेंट को मूव करना होगा। अगर आपको लगता है कि उस मैनेजमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो एक चीज है कि अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया तो उससे जो हमें जो एक्शन और रिजल्ट्स उसके फल मिलते हैं वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ये एक पर्सनल इन्वेस्टर का जजमेंट है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कितना रिस्क लेना है। और एक तरह से जहां इतना ज्यादा बढ़ चुका है, तो अब उनका बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग का जो फायदा है वो आज शेयर प्राइस में दिख गया है,
यहाँ से अगर कुछ अगर होना है तो उनका बिजनेस, उनके बिजनेस की मैनेजमेंट और वहाँ के उनके प्रोडक्ट की सक्सेस, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसी ऐसी चीज़ों में ये उसका आंकलन और उसका जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो एक तरह से जो साधारण निवेशक है, ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है, उसको ये सब रिस्क से अगर दूर रहना है तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाज हैं जहाँ इतना स्ट्रेस नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ चुकी हैं और उसका फायदा सभी को होगा। और जैसे मैंने कहा, बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस, उनको सबसे ज्यादा हो सकता है, तो वहाँ रिस्क भी कम है, तो वहाँ देखना मुझे लगता है बेहतर रहेगा। जी ताहिर, पिछले 7 में से 5 इलेक्शन के बाद ऐसा हुआ है कि अगले 1 से 2 सालों में बाजार ने बेहद शानदार रिटर्न दिए, और खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने। अब एक छोटे इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल यही होता है कि वो सही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कैसे चुने। क्या आप ये राय देंगे ऐसे स्मॉल इन्वेस्टर्स को कि अगले 1-2 साल के लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसे में सही मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चुनने का वक्त है? और क्या आपको लगता है कि लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड फंड्स के मुकाबले में ये मिड कैप फंड्स ज़्यादा बेहतर रिटर्न देंगे? डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिड कैप्स एज एन अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ से बेहतर कर सकता है कंपेयर टू लार्ज कैप्स। और इसका कारण, एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि आप अगर मिड कैप यूनिवर्स का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें और उनका अर्निंग और ग्रोथ और रेवेन्यूज का कॉम्पोजिशन देखें, तो वो डोमेस्टिक इकोनॉमी से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ओवर पिछले कुछ सालों में लार्ज कैप कंपनीज ने काफ़ी सारे एक्विजिशंस आउटसाइड ऑफ इंडिया किए हुए हैं, जिनके कारण उनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो कुछ हद तक अभी ऑफशोर या ग्लोबल मार्केट से आने लग गए हैं। तो अगर हम एक डोमेस्टिक रिकवरी या डोमेस्टिक इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट की आशा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका ज़्यादा बेनिफिशियरी मिड कैप क्लास एज एन एसेट क्लास हो सकता है। और हमने कुछ पिछले 2-3 महीने में जैसे ओवरऑल मार्केट की रैली देखी है, उनमें मिड कैप्स की शायद थोड़ी और ज़्यादा रैली देखी है, लेकिन फिर भी डिस्पाइट दैट मिड कैप के अगर आप वैल्यूएशन देखें तो उनमें बार्गेन्स मिलना और भी ज़्यादा ईजियर है। उनके वैल्यूएशन तकरीबन 15 से 20% डिस्काउंट पर चल रहे हैं कंपेयर टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज कैप्स। तो एक प्रकार से देखिए, जो इस इलेक्शन से जो मेन यू नो एक्साइटमेंट हमें लग रहा है कि ये हो सकता है कि जो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन कंपनीज के लिए जहाँ पे उनके पास सालों से कंपेटिटिव एडवांटेजेस रहे हैं और उनमें कैपेबिलिटीज रही है, लेकिन वो शायद ठीक तरीके से एक्सप्लॉयट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हमें लगता है कि ये जो पिछले 3 या 5 साल या 7 साल जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप कर देगा। तो आफ्टर इमोशन जब सेटल डाउन और जो यूफोरिया है इनिशियली वो जो सेटल अगर हो जाए, जैसे अब हो जाएगा, उसके बाद क्लासिक इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना जरूरी है। और उसमें हमें यही लगता है कि जो बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें वो क्षमता है, जिनमें जो कैपेबिलिटीज है, जो एक कंपेटिटिव एडवांटेजेस जिसे कहते हैं वो है, जो लीडर्स करके उभर के आ सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स 5 इयर्स, उनमें हमारे हिसाब से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और उसको शायद सेक्टर्स के हिसाब से तुलना नापना जरूरी नहीं है, या सर्विसेज ओरिएंटेड है या इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड है, उसके हिसाब से भी तुलना करना जरूरी नहीं है। हमें लगता है कि डिफरेंट सेक्टर्स, बी इट इन सर्विसेज या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो, उनमें हम अगर ऐसे कुछ चुनिंदा कंपनीज का पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूट कर पाए तो शायद 6-12 महीने के लिए नहीं, लेकिन अगर 2-3 से 5 साल का व्यू लेकर चले तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस और अच्छा ग्रोथ और रिटर्न हम यू नो हासिल कर सकते हैं। सो दैट इन माय माइंड शुड बी द फोकस। और उसके अंदर हमें लगता है कि मिड कैप्स में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने की डेफिनेटली गुंजाइश है। मिड कैप्स बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ से भी आपको कमा कर दे सकते हैं, वहाँ पर आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन कौन से वो मिड कैप्स हैं जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, सब पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चुनाव के बाद मोदी की आंधी के बाद बाजार अब किस तरफ का रुख करेगा, इस पर हम लगातार बाजार के कई दिग्गजों से चर्चा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका अब क्या नजरिया बन रहा है और ऐसे में मोदी की सरकार के बाद किन सेक्टर्स में आपको दिखेगी सबसे ज्यादा तेजी। इन सब मुद्दों पर बातचीत की मैंने बाजार के जाने माने दिग्गज रमेश दमानी से। क्या लगता है कि बाजार एक बहुत बड़ी, बहुत नई और बहुत ब्रॉड बेस्ड तेजी के लिए तैयार हो चुका है और यहां से देयर इज नो लुकिंग बैक, बहुत बेहतरीन तेजी बनेगी? जी, हर बुल मार्केट भारत में इसका नाम दिया जाता है। हमने हर्षद मेहता बुल मार्केट बोला था, हमने एफआई बुल मार्केट बोला था, ये क्लियरली एक नरेंद्र मोदी बुल मार्केट है। जैसे देश बोल रहा है, जैसे बाजार भी बोल रहा है कि देयर इज अ नरेंद्र मोदी बुल मार्केट। ये जब चालू हुआ था करीब फ्यू मंथ्स बैक लास्ट ईयर 2012-13 व्हेन द रुपी हिट 70 टू द डॉलर, वो बाजार में जो पैनिक हुआ था वो बॉटम कभी आया नहीं वापस। उसके बाद लगातार बाजार बढ़ता जा रहा है। सितंबर 13, 2013 में जब नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद करीब 20-25% बाजार भर चुका है। सो दिस इज द नरेंद्र मोदी बुल मार्केट, काफी ऑलरेडी भर चुका है। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट लेग तो खत्म हो चुका है, अब सेकेंड लेग शुरू होना बाकी है। बट बुल मार्केट एक बार शुरू हो जाता है तो काफी देर तक चलता है और काफी पॉइंट तक चलता है। तो सिर्फ अगर 2-3 हजार पॉइंट बढ़ गए, इसके घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे लगता है काफी आगे जा सकता है बाजार और फिर काफी महीनों चलेगा, बुल मार्केट एक दो महीने में खत्म नहीं होते हैं। राइट, एक सवाल जो मैं लेना चाहता हूं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज से, चूंकि वो पूरी तरह से बाजार से गायब है, क्या अब भी देर नहीं हुई है वो उतर जाए? और दूसरी बात, अगर हाँ, क्योंकि लोग डरते हैं कि बहुत बढ़ गया है, इस बाजार में डाउनसाइड रिस्क कितनी है, वर्स्ट केस सिनेरियो में हम कितना नीचे जा सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। कितना डाउन जा सकता है, मतलब मेरे हिसाब से 10% करेक्शन कभी भी आ सकता है बाजार में, सो शुड बी अलर्ट टू दैट। शायद इंडियन मार्केट का वोलेटाइल मे बी थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, बट माई सेंस इज दैट जो डिप्स होते हैं वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेंगे आपके साथ। बुल मार्केट में जो करेक्शन होते हैं वो बहुत कम समय के लिए आते हैं, बहुत जोर से वापस बढ़ जाते हैं। बिफोर दिस 3000 पॉइंट रन स्टार्टेड, आपने देखा था कि 8 दिन लगातार बाजार घटता रहा, फिर एक ही दिन में पूरा लॉस कवर करके उससे आगे बढ़ चुका था। तो बुल मार्केट्स में टाइम बहुत कम मिलती है सोचने की, यू नीड टू गेट इन्वेस्टेड एंड इट्स नॉट टू लेट टू गेट इन्वेस्टेड, बिकॉज इफ यू बिलीव बुल मार्केट, जैसे आपने देखा था 2004 की बुल मार्केट में 4000 का 20000 हो गया था सेंसेक्स, 5 गुना बढ़ चुका है। तो इंडेक्स इन गो अप 2-3 times इन अ बुल मार्केट, अभी तो सिर्फ 40-50% बढ़ चुका है बाजार। तो आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो एंड इट्स नॉट टू लेट टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट्स। हर बार हम देखते हैं कि बुल मार्केट में लीडरशिप अलग तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स से आती है, कभी सिक्लिकल्स चलते हैं, कभी हमने आईटी शेयरों को लीड करते हुए देखा था, इस बार क्या होगा, इस बार लीडरशिप कहां से आएगी? आई थिंक लीडरशिप 2 हफ्ते पहले तो टेक और फार्मा में थी, बट नाउ बिकॉज ऑफ द रुपी स्ट्रेंथनिंग दी स्टॉक्स हैव वीकेंड अप। एंड आई थिंक पीएसयू, मेरे हिसाब से जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है दैट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज देयर विल बी अ होलसेल चेंज इन एनर्जी पॉलिसी, डी रेगुलेशन विल टेक ऑन। तो जैसे मार्केटिंग कंपनीज है जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है, दोज विल परहैप्स टेंड टू डू वेल, बिकॉज बुल मार्केट की लीडरशिप के लिए क्या चाहिए कि पहले बहुत अंडर ओनरशिप चाहिए और बहुत अंडर अप्रिशिएटेड स्टॉक्स चाहिए। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आपको बहुत अंडर ओनरशिप मिल रही है, बहुत अंडर अप्रिशिएट मिलती है और बहुत सस्ते दाम में मिल रही है, कंपेयर सेल्स टू मार्केट कैप और यू नो कॉस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से बहुत सस्ते हैं। सो इट इज पॉसिबल दैट बिग लार्ज मनी कैन कम इन टू दीज स्टॉक्स एंड दीज स्टॉक्स कैन गो फ्रॉम बींग अंडर लव टू ओवर लव। तो द होल पेंडुलम विल स्विंग द होल वे, परहैप्स मीडिया, परहैप्स लॉजिस्टिक्स, दोज आर सम अदर सेक्टर्स दैट वी शुड वॉच। ये तो काफी सारे सेक्टर्स की बात करी रमेश दमानी जी ने, मीडिया, लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। शर्मा जी, ब्रेक के दौरान आपने काफी इंटरेस्टिंग एक सेक्टर का नाम लिया, पाइप कंपनियां, वहां पर आपकी नजर है और कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंपनी है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी और क्यों? मेरे मानना है कि अगर सब्सिडी आपको खत्म करनी हो तो एक जरिया यह है, खासकर कुकिंग गैस पे, कि आप उसको सिलेंडर के बजाय पाइप्ड गैस बेचनी शुरू कर दो। तो जो पाकिस्तान में जो पाइपलाइंस हैं वो हमारे यहाँ से करीब 8 गुना है, जो कि छोटा देश है।
तो अब उसके बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, तो वो तवज्जो देगी। और मोदी जी ने अपने भाषण में कहा भी है ये कई जी, बार जी, तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा होगा वो गुजरात गैस पाई। अगर आपको क्रॉस कंट्री पाइपलाइन पे फायदा देखना है तो जीएस गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, और पाइप बनाने वाली जो कंपनियां हैं जहां पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ये सब यूज होंगी तो वो सब हैं आईएसबीटी और आईएसएमटी, और दूसरा आपके लिए दूसरी जो कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस, महाराष्ट्र सीमलेस, तो वो सब कंपनी है जो इनको उस उनके लिए बनाती है, उनको आप देख सकते हो। ताहिर, फाइनली अगर ग्रोथ को बढ़ावा देना है जिस तरह की उम्मीद की जा रही है नई सरकार से, तो एक बात जरूरी होगी वो ये कि सरकार ब्याज दरों को आरबीआई के जरिए लेकिन ब्याज दरों में तेजी से कमी लाने की कोशिश करे। क्या ऐसे में फिक्स इनकम में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सही मौका है, जब डेट फंड में या फिर ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं तो गिल्ट फंड में पैसा लगाया जाए? और दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, 1 से 3 साल का या यूं कहें कि 1 साल का अगर व्यू है तो क्या डेट फंड भी यहाँ पर आसानी से अच्छे खासे डबल डिजिट रिटर्न 12-15% तक के रिटर्न दे सकते हैं? शायद दे सकते हैं, और क्लियरली एक इंटरेस्ट रेट कम होने की सिनेरियो की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और अगले 6-8 महीने में हमारी तो उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट्स 200 बेसिस पॉइंट्स की कटौती आ सकती है। लेकिन उनका जो डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको कॉर्पोरेट्स पे दिखाई देगा, उनकी अर्निंग्स पे दिखाई देगा, उनकी एबिलिटी टू इन्वेस्ट पर दिखाई देगा, कंजम्पशन पर असर गिरेगा, और उनका जो डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट उनकी स्टॉक प्राइसेस पे है, हमें लगता है कि दैट विल बी मच हायर। और हमने पिछले सालों में भी देखा है, इन द पास्ट यही ट्रेंड रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो एसेट एलोकेशन शिफ्टिंग तो ऑब्वियसली इक्विटीज को बेनिफिट करता है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो इक्विटीज एज एन एसेट क्लास की काफी तेजी से बढ़ती है। तो हमारा यू नो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जितना हो सके उतना एलोकेशन फ्रॉम डेट टू इक्विटी का किया जाए, डेट का एक्सपोजर रखना जरूरी है कुछ हद तक, लेकिन अब समय आ गया है जहां पे इक्विटीज एज एन एसेट क्लास का प्रोपोर्शन इन द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पाई शुड बी हायर फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट सम इयर्स। सो इन दैट रिगार्ड इन्वेस्टर्स को जैसे अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करना है वो करना होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो बैलेंस करके चले और पैसा बनाने के मौके इक्विटी में भी होंगे, डेट में भी। लेकिन वक्त है हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। वीके शर्मा साहब, ताहिर बादशाह और बाकी सारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ बने हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इस खास शो में वक्त निकालने के लिए। चलिए, मुझे और अनिल जी को दीजिए इजाजत, तब ब्रेक के बाद जानेंगे इंडस्ट्री क्या चाहती है मोदी से। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।